हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सहाबी अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 55 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस पे नजर रखो, ये कुछ ना कुछ करेगी। दोनों कबाइल की खवातीन अभी भी अलग थलग रह रही हैं एक दूसरे से आए मखालम। ये ममता की जुबान में प्यार भरे चंद अल्फाज सुनने की मुंतजर है वालिदा। चादर कबीले की और काय कबीले की बहादुर खवातीन, हम यहां ना सिर्फ एक सरजमीन पे आबाद है बल्कि हमारी तकदीर भी एक है। हम सब बहनों की तरह हैं, बल्कि सगी बहनों से भी बढ़कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा फर्ज है कि दोनों कबाइल के सरदारान की तरह हम भी एक, हमारी दुआ है कि दोनों कबाइल को फतह नसीब हो। आमीन। असलहान खातून को जिन जालिमों ने अगवा किया है अल्लाह उन्हें नीस तो नाबूद करे। आमीन। बाहों में इख्तलाफात खत्म कर दे, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। चलिए सब एक दूसरे को गले लगाइए, जल्दी कीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। खुश रहो मेरी बहन। शुक्रिया बहन। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बहन। क्या आपको लगता है गले मिलने से हमारा दर्द खत्म हो जाएगा? चावदार कबीले पर जान मारने वाले, दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने वाले जानदार साहब यही फौत हुए। जबकि मैंने अपनी औलाद को खो दिया, ये सब कैसा? चावदार खवातीन, क्या आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है? इसके वजह से ही सब ऐसा होता है। जो आपके साथ हुआ उसका जिम्मेदार हमें ठहराते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। चोर पर खत्म। और आलियार साहब आज अगर जख्मी हैं, तो इसकी वाहिद वजह उराल साहब और उनके गद्दार जंजू हैं। उसके बावजूद भी ये सब कहने की जुरत कैसे हुई? असफहान का और उराल साहब का नाम अपनी जुबान पर डालने की जरूरत नहीं है। रुक जा रहे तो तुम अपनी हक में रहोगी तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ओहो, बहुत हो चुका बस। अपने ना होने वाले बच्चे में यहाँ फितना फैला रही हो तू। मरने वाले तो अल्लाह के मेहमान हैं। आलियार साहब जब जख्मी थे उस वक्त कहाँ थी तुम? हाँ, औराल साहब वक्ती सरदारी के लिए इतने बेकरार हो चुके हैं कि सगे बहन भाई किस हाल में है वो भी भूल गए हैं। आगे मत पढ़िएगा चौलपान खातून। देखो
خاتون ہم یہاں قبائل کو متحد کر رہے ہیں اور زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش نہ پھیلا رہی ہو تو میری بات سنو خاتون اگر تو یہاں آپ کو کام کرنا ہے تو خاموشی سے قالین کی بنائی مکمل کیجیے ورنہ دفع ہو جائیے آپ ڈوب مرنے کا مقام ہے چاردار خواتین کے لیے سردار کی زوجہ کی بے عزتی کی جا رہی ہے اور آپ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہیں خاموش عیار صاحب ہیں اور چاردار قبیلے کی خواتین اتنی عزتدار ہیں کہ تم جیسی نفرت پھیلانے والی خاتون کا ساتھ کبھی نہیں دیں گی صحیح بات ہے تو اب تم بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان گدے سے کھینچ لوں گی اللہ کے لیے تمام خواتین اس عورت سے تعلق نہ رکھیں کام کیجیے شاباش اپنا کام کیجیے جلد کیجیے کیا دماغ چل رہا ہے مسٹر بتا سکتا ہوں آئیے آجار صاحب آئیے بتائیے کیا خبر لے کر آئے خبر اچھی نہیں ہے اورال صاحب کیا ہوا ہے آجار صاحب ہوش میں آ چکے ہیں ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے ہونے دے اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے سب دیکھ رہا تھا وہ لاش کے پاس موجود تھا یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے احمد انسان تم نے کی تھی کبھی لگے اتنے قریب کی چھوڑا تھا جناب کتلوجا نے رات سے ہم پر نظر رکھی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس کے سپاہی لاش تک اتنی جلدی پہنچ گئے اور کتلوجا کو بھی نہیں سنبھال سکے باہر نکلا ایک بات تو بتاؤ جوان تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی عشق کی وجہ سے مجھے گرفتار کر کے زندان میں پھینک دیا گیا لیکن اب آسان ہوں میں اپنے قبیلے واپس جا رہا ہوں بہت اچھا ہے لیکن تمہاری تلواریں کہاں ہیں تلواریں لے لی انہوں نے مجھے واپس نہیں کی ٹھیک ہے اب اجازت دیجیے اللہ راضی ہو آپ سے بہت شکریہ اپنا خیال رکھنا جوان خیال رکھنا بھائی کچھ لوگ آ رہے ہیں اندازہ ٹھیک تھا بھائی وہ اصل
छुड़ा ले इसका मजा आएगा। हाँ ना, इसका मुंह देखने लायक रहेगा फिर। बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। कोई नहीं, अर्तुगरुल छुड़ा लेगा।
आजा सिपाही है हाँ अच्छे खासे Oh!
यार। पहले हम सराय जाएंगे, अमीर सादत ही इंतजार में है। शुक्रगुजार हूं मैं, अल्लाह आपसे भी राजी हो। हाय खातून, हलीमा खातून, मुझे माफ कीजिए। असलहान, शुक्र है कि वापस आ गई तुम। शुक्रिया भाभी। उराल भाई नहीं आया, वो कबीले में है, तुम्हें देख के वो भी बहुत खुश होंगे। वो कबीले में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि मुझे तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। कैसे तुमने? सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं, तुम्हारा भाई भी परेशान है। बहुत परेशान होने वाले आलियार भाई हैं, मुझे बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। क्या कह रही हो असलहान? उराल भी तुम्हें बचाने के लिए गए थे। असल जाल तो वहां था ही नहीं भाभी, सब जान चुकी हूँ मैं। मैं सारी मुझ के हाथ में मिला तो क्या गए। असलहान,
मेरी बच्ची ही वक्त इन बातों का नहीं है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। खातिन से कहकर खाना तैयार करवा देती हूँ मैं, जब तक आराम कर लो तुम। आ जाओ। शुक्रिया। बम्सी की कोई खबर है दुआ? नहीं भाई। बेचैन है ये। सोच रही होगी गलती हो। अर्तुगरुल साहब सब बता चुके हैं। मुझे बचाने के लिए आपने जो कुछ भी किया उसकी शुक्रगुजार रहूंगी मैं। तुम मेरी सौजा बनने वाली हो असलेहान। बनेगी कि नहीं डाउट है। मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हारी। यहाँ के मामलात से फरागत के बाद आलियार भाई से मिलने के लिए काई कबीले जाना चाहूंगी मैं। इसका मतलब है अपने भाई आलिया के हवाले से तुम्हारे ख्यालात बदल चुके हैं। क्योंकि वो मेरा खून है मीर सादतीन। आलिया भाई है मेरा, कबीले का सरदार है। इंशाल्लाह अपने कबीले को अर्तुगरुल साहब की मदद से हम अमन सुकून का गहवारा बनाएंगे। आज के बाद दोनों कबाइल का इत्तेहाद सबके लिए मिसाल होगा। मुझे जीने की उमंग देता है। रब से दुआ है कि इसे ताहयात देखता रहूं मैं। सुनो असलेहान खातून, मुझे कोनिया जाना है सुल्तान से मुलाकात करने। कोनिया चलो मेरे साथ। जब तुम्हारा गम हल्का हो जाए और जब तुम चाहोगी हम महल में निकाह की तकरीब कर ले। मुझे लगता है झटका दे देंगे।
फंस गई है इस बात में। आलियार साहब की सेहत काफी बेहतर है और जब अपनी बहन की बाजियाबी की खबर सुनेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे। कबीले में जिरगे की सदारत करेंगे इंशाल्लाह। यही खुशखबरी सुनाने के लिए सराय आया था मैं। आपने अच्छा किया अर्तुग भाई, मुझे भी अमीर सादतिन के हवाले से बात करनी थी आपसे। भाई अमीर सादतिन का बदला हुआ रवैया हम दोनों के लिए ही परेशान कौन है। सही बात है। वो चिरा हुक्मरानी करना मुमकिन नहीं और इसलिए उसे उराल के साथ अपना गठजोड़ खत्म करना होगा क्योंकि उराल भरोसे के काबिल नहीं। उराल के साथ उसका गठजोड़ इस सरजमीन के लिए नहीं बल्कि अपने ओहदे के लिए भी खतरनाक है। तो भाई वो ये भी जानता है कि गलती की सूरत में सुल्तान उससे कीमत वसूल करेंगे। वैसे उसके साथ अमन कायम रखना नामुमकिन है। यार कोई जंग नागुजीर हो चुकी है। जिस तरह अम के मौके पर वो हमारे साथ है इसी तरह जंग में भी उसे हमारा साथ देना होगा। इंसाफ कायम करके आपने नाइंसाफी को खत्म किया है भाई। आगे क्या सोचा है, हिकमत अमली क्या होगी? आज जो कुछ है कल तक बदल भी सकता है आर्थिक भाई। कुपैक न सिर्फ इस सरजमी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये तो सही। हमें अपना अगला कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा, खासकर उराल के जिंदा रहते हुए। अरे अभी इसका एक्सप्रेशन देखने का भी रसली शक्ल। उसका इस्तकबाल एक जमींदार की तरह ही होना चाहिए। नहीं यार, असलियत खातून बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। हाली बाजार ठहर जाने की वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। हालात बिगड़ने की सूरत में कुछ भी हो सकता है, जब भी हो सकती है, इसलिए तुम वहां रहना जैसा आपका हुआ। सरदार अर्तुगरुल और अमीर सादतिन आपके इंतजार में है जमींदार साहब। झटका लगेगा तेरे को, अभी रुक जा। ओह
शक्ल। क्या शक्ल थी उसकी देखने लायक रे। वो पूरा हिल गया एक्चुअली देखा जाए। ये कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे आ गई? वो ऐसा एक्सप्रेशन था उसका कि ये हो ही नहीं सकता, ये इधर आ ही नहीं सकते, अपनी उधर ही खड़ी पीछे हो। बहुत मजा आ गया मुझे ना, बहुत लाइक यू नो बहुत दर्द हो रहा है वामसी के लिए यार, मतलब वो पूरा ढीला पड़ गया यार, गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया उसने। अभी उसे चोरी किधर पता नहीं, वो बच्चा हो गया वापसी चाहिए यार, इतना मस्त कैरेक्टर है हमारा वो, एक बोलते हैं कॉमेडी वाला बंदा खत्म हो जाएगा हमारा इधर कुछ हुआ तो इसको। अरे लेकिन जबरदस्त यार, इतना मजा आ गया ना देख के, जो प्लानिंग चल रही है ना। लाइक ये अर्जुन की है ना सबसे सीजन फर्स्ट से ऐसी ये चीज है कि चलो जाके ले लो बात खत्म, बाजी पलटने आती है बराबर से बाजी पलटने आती है। और असली में क्या मूड थोड़ा है उसने अच्छा, समझ रहा है बैठे आराम से। अभी उनको भी हाइमा खातून और उनको भी पता चल गया अभी असलियन आर्यन भाई की तरफ हो गई है, बस हो गया अभी। बहुत जबरदस्त सीन, जो मजा आ रहा है देखने में वाह। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।